चलिए बच्चों आगे चलते हैं, एक छोटा सा सवाल और करते हैं। हमारे पास इस तरह का एक्सपेरिमेंटल सेटअप है कि हमारे पास एक एक्सरे ट्यूब है, इट इज समथिंग लाइक दिस। बेटा मैंने कहा था कि अलग अलग शेप की एक्सरे ट्यूब्स हो सकती हैं, बट आपके पास इस तरह की लाइट से कोई एक्सरे ट्यूब है। इस तरह की एक्सरे ट्यूब है। यहां पर आपके पास कैथोड वाला अरेंजमेंट जिसमें आपने एक फिलामेंट लिया, फिलामेंट के अक्रॉस कुछ ना कुछ पोटेंशियल डिफरेंस लगाया। इस फिलामेंट के जस्ट पास में हमने एक मेटल की प्लेट रख दी, किस लिए रखी आप लोग जानते ही हो। इसके सामने हमने एक कॉलीमेटर रख दिया जिसका काम सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को ऐसे बीम शेप देना है। यहां पर हमारे पास हमारा टारगेट मेटल है जिसको हमने कॉपर के साथ यूं जोड़ रखा है, ये हमारा टारगेट मेटल है। बाकी बेटा कॉपर है, रनिंग वाटर दिखाना चाहो दिखा सकते हो। फिलामेंट के अक्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो आपके पास Vf है, और इस कैथोड और एनोड के अक्रॉस जो मैंने एक्सलरेटिंग वोल्टेज लगा रखा है, ऑपरेटिंग वोल्टेज जो है वो हमारे पास 15 kV, 15,000 वोल्ट है। फिर ना चलिए बेटा पहला सवाल, फाइंड काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हेन इट रीचेस एनोड। जब इलेक्ट्रॉन एनोड पर पहुंचेगी उस टाइम पर इलेक्ट्रॉन के पास काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी और स्पीड कितनी होगी। तो आप जानते बेटा यहां मेटल से इलेक्ट्रॉन निकलेगा बहुत कम स्पीड से, बहुत कम काइनेटिक एनर्जी से। इलेक्ट्रॉन निकला, इलेक्ट्रॉन निकलते 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 यहां पहुंचेगा, ये हमारा एनोड है। यहां पर जब पहुंचेगा तो ऑफकोर्स बेटा उसके पास कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। ये काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी मैं आपको सिखा चुका हूं। दिस काइनेटिक एनर्जी विल बी इनटू VA। बड़ा VA आपका 15,000 वोल्ट है तो ऑफ कोर्स काइनेटिक एनर्जी आपके पास आ गई है 15,000 इलेक्ट्रोवोल्ट। ये हमारा आंसर है काइनेटिक एनर्जी का। अगर आप चाहो तो बेटा इसको SI यूनिट में भी कन्वर्ट कर सकते हो। यू कैन से कि इट इज 15,000, बेटा इलेक्ट्रो वोल्ट को जूल में कन्वर्ट करना आता होगा ना, इंटू 1.6 इंटू 10^-19। ये तो बेटा 10^-16 हो गया, एंड 15 इंटू 1.6 बेटा ये कितना हो गया, 24। ये बड़ा मेरे ख्याल से 24 हो गया, एक बार कैलकुलेशन जरूर तुम चेक कर देना। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गई काइनेटिक एनर्जी अगर आपको जूल में चाहिए तो। इसी दूसरे पार्ट में मुझसे पूछ रखा है कि जब इलेक्ट्रॉन यहां पहुंचेगा तो उसके पास स्पीड कितनी होगी। एज यू कैन सी दैट कि काइनेटिक एनर्जी इज ऑफकोर्स हाफ mv2। जब मैंने काइनेटिक एनर्जी अगर SI यूनिट में लिख दिया तो ऑफकोर्स बड़ा मास अगर मुझे पता हो तो हम बड़े आराम से ये सब कर लेंगे। आप कह सकते हो कि स्पीड का स्क्वायर इज 2 × 24 इंटू 10^-16 अपॉन एम। बड़ा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन वैसे सवाल में दिया होना चाहिए लेकिन हमें भी याद ही है, दैट इज 9.1 इंटू 10^-31। ये 10^-31 जब ऊपर गया तो ये 10^-15 आ गया, 15 आ रहा। ठीक है बेटा करना जरा डिवाइड, हाँ देखना जरा क्या आया, 2 × 24 डिवाइडेड बाई 9.1। बड़ा मैं इसको 52.74
इंटू 10 रेस टू पावर माइनस 16 लिख सकते हैं। ये थोड़ा वी स्क्वायर आ गया, ओ सॉरी बेटा ये प्लस 15 था, मेरी गलती है, प्लस 15 था तो बेटा ये 14 आ जाएगा। फिर मैंने एक जीरो इधर ले आया ना, ठीक है, 10 रेस्ट का माइनस 31 ऊपर गया तो 10 रेस्ट प्लस 15 बेटा, ये बेटा डिवाइड किया तो 5.274 आया, तो मैंने एक जीरो उधर शिफ्ट कर दिया और उधर 10 रेस्ट टू पावर 14 आ गया, ये मेरे पास वी स्क्वायर आ गया। V की वैल्यू अगर निकालनी है तो बेटा इसका रूट निकालना, 52.74 का बड़ा रूट शायद 7 पॉइंट समथिंग आएगा, 52.74 का रूट चाहिए मुझे, हाँ 7.26, दैट इज 7.26 इंटू 10 रेज टू पावर 7 मीटर पर सेकेंड, ये बड़ा स्पीड आ गई। कैलकुलेशन जरूर बड़ा ऑफिस है, तुम चेक करना चाहो चेक कर, बड़ा मेरे ख्याल से सही है, ठीक, फेयर इनफ, ये स्पीड आ गई। अगला सवाल इसमें, जब ये इलेक्ट्रॉन इस एनोड से टकराएगा तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी का कुछ फ्रैक्शन जो है वो लूज करेगा, और बाय ब्रेमस्टोलिंग इफेक्ट वी नो दैट कि जो भी एनर्जी लॉस होगी वो फोटोन्स के फॉर्म में लगातार निकलती रहेगी। अगर ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी सारे के सारे अगर लूज कर देगा तो उस केस में सबसे ज़्यादा एनर्जेटिक फोटोन निकलेगा, और उस फोटोन के पास ऑफ कोर्स लैम्डा सबसे छोटा होगा, वो जो सबसे छोटा लैम्डा है वी नो इट, इट इज नोन एज अवर कट ऑफ वेवलेंथ और द स्मॉलेस्ट पॉसिबल वेवलेंथ। तो एक छोटा सा सवाल इसमें और लिख लो बेटा, फाइंड द कट ऑफ वेवलेंथ, कट ऑफ वेवलेंथ निकाल दीजिए। तो आप बेटा ऐसा कर सकते हो, या तो बेटा दिस टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू एच सी बाय लैम्डा, ये एस आई यूनिट में लिखा हुआ है, वो एस आई यूनिट में लिख ही देना, आप बड़े आराम से लैम्डा को मीटर में निकाल सकते हो। अदरवाइज आप कह सकते हो कि सर इतना भी करने की कहाँ ज़रूरत है, हमें पता है कि जो सबसे एनर्जेटिक फोटोन जो है वो तब निकलेगा जब वो सारी के सारी जो एनर्जी है वो इलेक्ट्रॉन की यूज़ कर लेगा, तो दैट इज इक्वल्स टू ई इंटू वी ए, और यहां से आप कट ऑफ वेवलेंथ के लिए बड़े आराम से कह सकते हो कि दैट विल बी एच सी अपॉन ई टाइम्स वी ए। बड़ा ई एच सी हमने याद कर रखा है 12,420 इलेक्ट्रोवोल्ट एंगस्ट्रॉम डिवाइड बाई ई वी ए इज ऑफ कोर्स द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन, काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रोवोल्ट में अगर कहूं तो दैट इज 15,000 इलेक्ट्रोवोल्ट, इलेक्ट्रोवोल्ट से इलेक्ट्रोवोल्ट कैंसिल, बड़ा देखना कितना आ गया 1242 डिवाइडेड बाई 1500 0.828 आ गया हुआ, 0.828 एंगस्ट्रॉम, ये हमारा आंसर आ गया हुआ। ये हमारी सबसे छोटी वेवलेंथ है जो इस कुलिज ट्यूब से निकलेगी, इसका ये अर्थ बिल्कुल नहीं कि बाकी वेवलेंथ नहीं निकलेंगी, बाकी भी निकलेंगे, मगर जो सबसे छोटी वेवलेंथ निकलेगी वो ये होगी, इससे बड़ी सारी के सारी वेवलेंथ आपकी पॉसिबल रहेगी। आगे चलिए, ये थी बेटा हमारी कंटिन्यूअस एक्सरे की इक्वेशंस, और कंटिन्यूअस एक्सरे के अंदर भी जो सबसे छोटी वेवलेंथ थी वो हमारे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट थी, सबसे ज्यादा काम की थी। हम अपनी बातों को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं बेटा, नेक्स्ट इज कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये बड़ा क्या है कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज, दीज आर लिटिल बिट डिफरेंट फ्रॉम अवर कंटिन्यूस एक्सरेज, इनके कैलकुलेशन भी देखते हैं, पहले ये समझते हैं कि एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे है क्या। बहुत ही सिंपल सा है, बहुत ही आसान सा है, सुनिएगा। जैसे मान लीजिए कि आपके पास बड़ा फिर से वही सारा का सारा अरेंजमेंट, आपके पास बड़ा ये फिलामेंट, फिलामेंट के जस्ट सामने मेटल, मेटल में से इलेक्ट्रॉन निकला और सामने ये टारगेट मेटल से टकराया, जो आपका टारगेट मेटल था बेटा वो यहाँ कहीं था, इससे टकराया, इससे टकराने पर इसमें से फोटॉन्स निकले, ठीक है, और ये जो फोटॉन्स जो थे मैंने इसको किसी न किसी सेंसर पे गिराया, ऐसे सेंसर पर गिराया जो एग्जैक्टली इस बात को प्लॉट कर सके कि किस
वेवलेंथ के फोटोन कम गिर रहे हैं और किस वेवलेंथ के फोटॉन्स ज्यादा गिर रहे हैं, किस वेवलेंथ की इंटेंसिटी ज्यादा है और किस वेवलेंथ की इंटेंसिटी कम है। तो हमने ऐसा एक इलेक्ट्रॉनिक सेंसर लगा दिया और इस इलेक्ट्रॉनिक सेंसर का सिर्फ और सिर्फ एक ही काम है कि जो इस एनोड से फोटॉन्स गिर रहे हैं कौन से फोटॉन्स की संख्या ज्यादा है, कौन से फोटॉन्स की संख्या कम है, और कौन से फोटॉन्स जो है उनकी इंटेंसिटी ज्यादा है, कौन से फोटॉन्स की इंटेंसिटी कम है, इस बात को बताने के लिए हमने ये सेंसर लगा दिया। अगर ये एक्सपेरिमेंटली ये सारा सारा काम हम करते हैं तो अलग अलग वेवलेंथ की जो इंटेंसिटी आती है लेमडा के साथ उसका जो कर्व है एज एक्सपेक्टेड यू आना चाहिए था कि एक कट ऑफ वेवलेंथ है, उससे छोटी वेवलेंथ के कोई भी फोटॉन्स बाहर नहीं निकलेंगे और उससे ज्यादा वेवलेंथ के सारे फोटॉन्स निकलेंगे, ये हमारी उम्मीद थी और काफी हद तक ऐसे होता भी है। बट हमने पाया कि थोड़ा सा एक पंगा है, कुछ लेमडा ऐसे हैं जिन पर इंटेंसिटी की पीक्स हैं, कुछ एब्रप्ट पीक्स हैं, ऐसे ऐसे पीक्स, कुछ वेवलेंथ ऐसे हैं जो वेवलेंथ जो है हमारी एक्सपेक्टेशन थी कि इस स्पेसिफिक लेमडा का ये वाली इंटेंसिटी आनी चाहिए, लेकिन इस स्पेसिफिक लेमडा की ये वाली इंटेंसिटी ना आकर इस इंटेंसिटी से ज्यादा आई। इसका मतलब ये वाले जो वेवलेंथ के जो फोटॉन्स हैं वो हमारी उम्मीद से ज्यादा निकले, इसी तरीके से ये वाली जो वेवलेंथ है हमारी उम्मीद थी कि इसकी इंटेंसिटी ये होगी, लेकिन एक्सपेरिमेंटली हमने देखा कि हमारी जितनी उम्मीद थी उससे ज्यादा इंटेंसिटी इस वेवलेंथ की है। इसका मतलब हमारी जो एक्सपेक्टेशंस थी उससे ज्यादा फोटॉन्स इस वेवलेंथ के निकल रहे हैं। यही कहानी इस लैम्डा की और यही कहानी इस लैम्डा की है। तो आप देख पा रहे हो कि ये जो लैम्डा 1, लैम्डा 2, लैम्डा 3, लैम्डा 4, ये जो चार स्पेसिफिक वेवलेंथ है, ये चार स्पेसिफिक वेवलेंथ जो है ये हमारी उम्मीद, हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा इंटेंसिटी दे रही है। हमारे जो कंटिन्यूस एक्सरे था उसकी हमारी जो उम्मीद थी, उसकी जो एक्सपेक्टेशन थी, उससे ज्यादा इंटेंसिटी दे रहे हैं। इसका मतलब ये जो फोटॉन्स हैं ये हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकल रहे हैं। अगर ये फोटॉन्स हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा निकल रहे हैं, इस बात का ये अर्थ निकला कि ये फोटॉन्स जो है ये कंटिन्यूस एक्सरे से तो निकल ही रहे हैं, ये किसी एक कारण से और भी निकल रहे हैं। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे तो निकल ही रहे हैं, ये जो एक्स्ट्रा इंटेंसिटी आई है, ये जो एक्स्ट्रा नंबर ऑफ फोटॉन्स आए हैं इन चार वेवलेंथ के, ये किसी और कारण से भी निकले हैं। इस कारण से तो निकले ही हैं, कंटिन्यूस एक्सरे वाले कारण से निकले ही हैं। इस कारण के अलावा और कोई कारण भी है जिसके कारण ये वाले फोटॉन्स निकले हैं, एंड दैट कारण कैन बी एक्सप्लेन बाई अवर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। ये जो स्पेसिफिक वेवलेंथ्स हैं, जिन स्पेसिफिक वेवलेंथ पर इंटेंसिटी हमारी एक्सपेक्टेशन से ज्यादा है, दीज वेवलेंथ्स और दीज एक्सरेज आर नोन एज अवर कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज। और इनके जनरेशन का जो कारण है वो जरूर हमारे कंटिन्यूस एक्सरे के अलावा कोई और कारण भी होना चाहिए। चलिए उसको भी देखते हैं। दीज स्पेसिफिक वेवलेंथ आर created by two ways, one by continuous x-ray and another is by characteristic x-ray. Characteristic x-ray का mechanism क्या है देखते हैं। चलिए बेटा next is heading लिखिए, generation of characteristic x-ray, कि characteristic x-ray कैसे बनती है वो देखते हैं, अभी देखते हैं। अभी देखते हैं। कंटिन्यूस एक्सरे हम समझ गए कि वो तो ब्रेमस्टोलिंग इफेक्ट से होता है। अब बात आ रही है किसकी, हमारी कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की। सुनिएगा, ये हमारा जो टारगेट मेटल था वो रहा, ये रहा हमारा टारगेट मेटल, ये हमारा इलेक्ट्रॉन जो ऑफकोर्स बेटा हमारे कैथोड से आया, ये आता है और टकराता है। अच्छी बात, ब्रेमस्टोलिंग इफेक्ट के अलावा एक इफेक्ट और होगा, उस इफेक्ट को बड़े आराम से देखिएगा। ये जो हमारा टारगेट मेटल है मैं इसका एटम बना रहा हूं, ये जो टारगेट मेटल है मैं उसका एक बार एटम बना रहा हूं
उसके एटम में ऑफकोर्स बीचों बीच न्यूक्लियस होगा, ये आपका n इक्वल टू वन, n इक्वल टू वन को आप k शेल भी कह सकते हो, और उसमें बेटा आप जानते हो कि दो इलेक्ट्रॉन घूम रहे होते हैं। उसके बाद n इक्वल टू टू, इसे आप l शेल भी कह सकते हो, और इसके अंदर एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ, आठ इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। अगला शेल के एल एम, एन इक्वल टू थ्री भी कह सकते हो और उसको आप एम शेल भी कह सकते हो। एज यू नो दैट कि इसके अंदर 18 इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे होते हैं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन इलेवन ट्वेल्व थर्टीन फोर्टीन फिफ्टीन सिक्सटीन सेवनटीन एटीन इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं। नेक्स्ट है आपका के एल एम एन, बड़ा इसके अंदर भी खूब सारे इलेक्ट्रॉन्स घूमते रहते हैं, ठीक है। ये आपका एटम है, कौन सा? टारगेट मेटल का एटम है, ठीक है। अब इस टारगेट मेटल के एटम पर एक इलेक्ट्रॉन आया, कहां ये इलेक्ट्रॉन कहां से है? ये इलेक्ट्रॉन बड़ा ऑफकोर्स वो जो फिलामेंट ने जिस मेटल को गर्म किया था उस गर्म होने से जो इलेक्ट्रॉन निकला था वो आया है, और ऑफकोर्स हमने एक्सेलरेटिंग वोल्टेज इस तरह से लगा रखा है कि ये इलेक्ट्रॉन के पास अच्छी खासी स्पीड होगी, तो ये इलेक्ट्रॉन आया है। मैं बेटा एक डायग्राम से काम चलाऊंगा, आप लोग है ना ज्यादा डायग्राम बना सकते हो, मतलब ऐसे ही, मतलब मैं तो मिटा मिटा के काम चलाऊंगा, आप बेटा हो सकता है कि मिटा के आप तो मिटा नहीं पाओगे, आप तो पेन से बना रहे हो, तो आप है ना डायग्राम ऐसे नेक्स्ट टू नेक्स्ट बना लेना, ठीक है। जैसे मैंने एक बनाया दूसरा बनाना, ये इलेक्ट्रॉन आया है, ये इलेक्ट्रॉन आया, ये कहां से आया? ये ऑफकोर्स आया फ्रॉम कैथोड, फ्रॉम कैथोड, और इसके पास अच्छी खासी एनर्जी है, इसके पास एनर्जी है किलो इलेक्ट्रो वोल्ट के ऑर्डर में, अच्छी खासी एनर्जी है। ये अच्छी खासी एनर्जी का कोई इलेक्ट्रॉन अगर आकर किसी ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से अगर टक्कर करे, बेटा दो इलेक्ट्रॉन जब भी कोलिजन करते हैं तो उसका कॉन्सेप्ट मैं आपको बता चुका हूं, मैं आपको सिखा चुका हूं, ठीक है। अगर ये इतनी ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन अगर किसी के शेल के इलेक्ट्रॉन से अगर टक्कर करे, तो इतनी ज्यादा एनर्जी का इलेक्ट्रॉन जैसे ही इस के शेल के इलेक्ट्रॉन से टक्कर करेगा, तो किसी स्पेसिफिक, क्योंकि इसमें एक ऐसी प्रोबेबिलिटी बन के आएगी कि ये वाला जो इलेक्ट्रॉन होगा इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, इस इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर देगा, नॉकआउट कर देगा मतलब इस के शेल से बाहर निकाल ले जाएगा। अब मैं तो बड़ा ऐसे डायग्राम से काम चला रहा हूं, आप बड़ा देखना क्या करना आपको, तो क्या होगा कि यहां पर एक एम्प्टी स्पेस बन जाएगा, और ये जो इलेक्ट्रॉन अच्छी खासी किलो इलेक्ट्रोवोल्ट की एनर्जी से आया था, ये इलेक्ट्रॉन इस के शेल के इलेक्ट्रॉन से टक्कर करके इसे अपने साथ ले जाएगा, और ये दोनों इलेक्ट्रॉन भाग कर आ जाएंगे। ये दो इलेक्ट्रॉन कौन से हैं? एक ऑफकोर्स आपके के शेल वाला इलेक्ट्रॉन है, और ऑफकोर्स दूसरा वाला तो बड़ा आपका कैथोड वाला इलेक्ट्रॉन है। तो आपके पास यहां पर एक एम्प्टी स्पेस बन गया, के शेल में एक एम्प्टी स्पेस बन गया, एक वैकेंसी बन गई, एक वैकेंसी बन गई, एक वैकेंसी बन गई। अब जैसे ही वैकेंसी बन गई, हम जानते हैं कि ऊपर हायर स्टेट पर जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनकी टेंडेंसी होती है कि अगर लोअर स्टेट में कोई जगह खाली हो, जो भी हो चुकी है, तो इलेक्ट्रॉन वहां से यहां पर जंप करने की कोशिश करेंगे, वहां से यहां पर जंप करने की कोशिश करेंगे, और ये जो जंप है ये ऑफ कोर्स एल से के में भी कर सकते हैं, एल से के में भी कर सकते हैं, इवन एम से के में भी कर सकते हैं, और इवन एन से के में भी कर सकते हैं। तो सर जंप करेंगे तो क्या, जैसे ही कोई इलेक्ट्रॉन आपके एल से के में जंप करेगा, या फिर M से K में जंप करेगा, या फिर N से K में अगर जंप करेगा, तो वी नो इट वेरी वेल कि यहां पर उस इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी ज्यादा होगी और यहां पर एनर्जी कम होगी, यहां पर एनर्जी ज्यादा होगी, यहां पर एनर्जी कम होगी, और जो एनर्जी डिफरेंस होगा उस एनर्जी डिफरेंस के बराबर वो अपने अंदर से एक फोटोन एमिट कर देगा। जैसे अगर इलेक्ट्रॉन यहां से उछल कर यहां पर आया, तो यहां पर अपने अंदर से कोई ना कोई फोटोन बाहर निकाल देगा, और उसके पास एनर्जी होगी एच सी बाय लैम्डा इज एनर्जी एट एल
माइनस एनर्जी एट के। इसी तरह से इस एम्प्टी स्पेस को वापस ऑक्यूपाई करने के लिए अगर एम शेल से इलेक्ट्रॉन यहां पर उठकर आया तो ऐसा हो सकता है कि बेटा यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के आएगा तो उसकी एनर्जी घटेगी, और जितनी एनर्जी घटेगी उतनी एनर्जी बेटा बड़े आराम से कह सकते हैं दैट इज एच सी बाय लैम्डा इज एनर्जी ऑफ एम माइनस एनर्जी ऑफ के। ऐसा भी हो सकता है, हालांकि रेयर चांस है, लेकिन एन से बेटा यहां पर आ जाए, अगर यहां से यहां कोई इलेक्ट्रॉन आया तो बेटा ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी घटेगी, और जितनी एनर्जी घटेगी उतनी एनर्जी जो होगी वो फोटोन के फॉर्म में बाहर निकलेगी, दैट इज एनर्जी एट एन माइनस एनर्जी एट के। अब मजे की बात यह है कि हमारा ये जो न्यूक्लियस है, मैं आपको पहले बता चुका हूं कि अक्सर टारगेट मेटल जो होता है वो टंगस्टन का या मोलिब्डेनम का बना होता है, जिसके जेड की वैल्यू अच्छी खासी होती है। जेड की वैल्यू अगर अच्छी खासी होती है तो बेटा एनर्जी का तुम फॉर्मूला जानते हो, माइनस 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर। जेड की वैल्यू अच्छी खासी होती है तो ये एनर्जीज भी अच्छी खासी होती हैं। ये अगर एनर्जीज अगर अच्छी खासी होती हैं तो इनके बीच एनर्जी डिफरेंस भी अच्छे खासे होते हैं, और अगर ये एनर्जी डिफरेंस अगर अच्छे खासे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन जब एक लेवल से दूसरे लेवल पर जंप मारता है तो उसका एनर्जी लॉस भी अच्छा खासा होता है, और एनर्जी लॉस अगर अच्छा खासा होता है तो ऑफकोर्स जो फोटोन बाहर निकल रहा होता है उसके पास भी एनर्जी अच्छी खासी होती है। एनर्जी अच्छी खासी होती है मतलब किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में होती है, और ये जो फोटोन जिनके पास एनर्जी किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में है इनका लैम्डा तुम जानते हो कि एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होता है, और इनका लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में है तो बेटा आप जानते हो कि इनको हम क्या कह सकते हैं, एक्सरेस कह सकते हैं। बेटा इनको क्या कह सकते हैं, एक्सरेस कह सकते हैं। तो आप कह सकते हो कि सर इलेक्ट्रॉन जब नजदीक से गुजर जाएगा और यूं निकल जाएगा बिना किसी इलेक्ट्रॉन के टक्कर किए, उसको तो हम ब्रेमस्टोलिंग इफेक्ट पढ़ ही चुके थे और उससे तो तरह तरह के लैम्डा निकल रहे थे, हम देख चुके हैं, हमें पता है। लेकिन ये एक ऐसा स्पेशल केस है जिसमें इलेक्ट्रॉन आता है और इलेक्ट्रॉन जो है वो ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से टकराता है, और ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन से टकरा कर उस ऑर्बिटिंग इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर लेता है, अपने साथ लेकर भाग जाता है, फिर उस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करने के लिए जो अपर शेल के जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो नीचे आते हैं और नीचे आने के दौरान अपनी एनर्जी को लॉस करते हैं। अब फॉर्मूले में माइनस 13.6 इंटू जेड का स्क्वायर है और टंगस्टन का और मोलिब्डेनम का जेड अच्छा खासा बड़ा होता है, तो ये एनर्जीज भी किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में पहुंच जाती है। एनर्जीज किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में होंगी तो एनर्जी डिफरेंसेज भी किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में होंगे। एनर्जी डिफरेंसेज अगर किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में होंगे तो ऑफकोर्स जो फोटोन निकल रहे होंगे उनके पास भी एनर्जी किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में होंगी। उनके पास अगर एनर्जी किलो इलेक्ट्रोवोल्ट के ऑर्डर में होंगी तो उनका लैम्डा एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में होगा, और लैम्डा अगर एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर में है तो ऑफकोर्स उनको क्या बोलते हैं, एक्सरेज। एंड दीज स्पेसिफिक लैम्डाज आर बीइंग क्रिएटेड इन टू वेज, वन इज ऑफकोर्स बाय ब्रेमस्टोलिंग इफेक्ट एंड अनदर बाय ऑफकोर्स दीज जंपिंग ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स and hence we can say that कि ये जो specific lambda है इनकी संख्या जो होगी, इन ये जो specific lambda के जो photons हैं इनकी संख्या जो होगी, इनकी intensity जो होगी वो उनकी औकात से या फिर हमारी expectation जितनी थी उससे ज़्यादा होगी, क्योंकि इनका जो creation है ये दो तरीके से हो रहा है, continuous से तो हो ही रहा था साथ साथ में characteristic वाले तरीके से भी हो रहा है। I hope you get the point. I really hope बेटा बात समझ में आई गई होगी। This is our basic phenomenon behind characteristic X-ray. इसको हम और डिटेल में देखेंगे, बट आई होप बेटा तुम इसके पीछे का सारा सारा फंडा समझ गए होंगे। आप बेटा तो अलग अलग डायग्राम बनाना, मैंने तो एक डायग्राम से काम चला दिया मिटाकर, आप दोनों डायग्राम अलग अलग बना लेना, ठीक है? आगे चलते हैं। चलिए हेडिंग लिखिए बेटा, आप दोनों डायग्राम अलग अलग बनाना कि टक्कर से पहले क्या था और टक्कर के बाद क्या है। मैं तो बेटा एक से काम चला रहा हूं, मैं तो मिटा सकता हूं ना, आप थोड़ी मिटा सकते हो। नेक्स्ट इज स्पेक्ट्रल सीरीज ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्स। कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की स्पेक्ट्रल सीरीज, सुनिए
क्या स्पेक्ट्रल सीरीज है, आराम आराम से सुनिए। जैसे बीचों बीच बड़ा आपका न्यूक्लियस, सबसे पहला जो शेल है वो के शेल, फिर एल, फिर एम, फिर एन। ठीक है, मान लीजिए कि जो मेटल से कैथोड से भागकर जो इलेक्ट्रॉन आया उसने के शेल के इलेक्ट्रॉन को नॉकआउट कर दिया, तो यहां पर आपके पास कोई ना कोई बड़ा क्या कहते हैं उसे स्पेस, स्पेस ऊपर से इलेक्ट्रॉन उछल के के पे आया या फिर यहां से के पर आया या सिर्फ यहां से के पर आया, एल से आया, एम से आया और ऑफ कोर्स एन से आया। अगर ऊपर से उछल के इस तरह से अगर इलेक्ट्रॉन नीचे आएगा तो ऑफ कोर्स उसकी एनर्जी घटेगी और जितनी एनर्जी घटेगी उतनी एनर्जी का अपने अंदर से फोटोन बाहर निकाल देगा। अब इस केस में जो फोटोन बाहर निकलेगा उसका हम नाम निकालेंगे बेटा के अल्फा एक्सरे। बेटा क्या नाम निकाल रहा हूं मैं उसे, के अल्फा एक्सरे। देखो ना नाम कैसे निकला, बहुत अच्छा नाम निकला के अल्फा एक्सरे। इलेक्ट्रॉन कहां पर जंप कर रहा है, के पर, कहां से, जस्ट ऊपर से, जस्ट ऊपर से, इसलिए के अल्फा एक्सरे कह दो। और आप कह सकते हो कि सर मैं इसकी वेवलेंथ बड़े आराम से निकाल सकता हूं कि इस फोटोन के पास एनर्जी होगी एच सी बाय लैम्डा ऑफ के अल्फा, बड़ा अल्फा लिख दिया, दैट इज एनर्जी ऑफ एल माइनस एनर्जी ऑफ के, दैट इज एनर्जी एट एल लेवल माइनस एनर्जी एट के लेवल, सिंपल। इसी तरह से यहां पर जो वैकेंसी है उसको ऑक्यूपाई करने के लिए अगर n इक्वल टू 3 मतलब m शेल से इलेक्ट्रॉन अगर उठकर यहां पर आएगा तो जो फोटोन निकलेगा उस फोटोन को बेटा हम k बीटा एक्सरे कहेंगे। बेटा क्या शब्द यूज कर रहे हैं, k बीटा एक्सरे। k क्यों यूज किया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कहां पहुंचा है, k पे, कहां से है, ऊपर से भी ऊपर, जस्ट ऊपर हो तो अल्फा, उससे ऊपर हो तो बीटा। ठीक है, इवन इसका लैम्डा भी हम बड़े आराम से बोल सकते हैं, हम कह सकते हैं कि इसकी एनर्जी विल बी एच सी लैम्डा ऑफ ऑफकोर्स बीटा शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ दिस लेवल माइनस एनर्जी ऑफ दिस लेवल। ठीक है, इसी तरह से अगर इलेक्ट्रॉन एन शेल से अगर के शेल पर आता है तो इस टाइम पर जो फोटोन बाहर निकलेगा वो तो और भी ज्यादा एनर्जेटिक होगा, उसको हम नाम दे सकते हैं बेटा के गामा एक्सरे। बेटा क्या नाम दे सकते हैं, के गामा एक्सरे। हालांकि एक्सपेरिमेंट से ये पता किया गया कि यहां से यहां जो इलेक्ट्रॉन्स जंप कर रहे हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, उनकी संख्या बहुत कम है, मोस्टली बेटा वो एन इक्वल टू टू और एन इक्वल टू थ्री वाले जो इलेक्ट्रॉन है ना वही जंप कर जाते हैं। फिर भी नाम तो निकाल सकते हैं, कैलकुलेशन तो पूछ ही सकते हैं, और इस के गामा एक्सरे वाले का जो फोटोन है उसका लैम्डा हम बड़े आराम से निकाल सकते हैं, एच सी बाय लैम्डा ऑफ गामा। बड़ा के अल्फा भी लिखते हैं साथ साथ में, ये के अल्फा, ये के बीटा, ये के गामा शुड बी एनर्जी एट एन लेवल माइनस एनर्जी एट के लेवल। फिर ना आगे चलते हैं बच्चों। अब कोई बच्चा ये नहीं कह सकता है कि सर वैकेंसी तो L वाले शेल में भी क्रिएट हो सकती है, और L वाले शेल में दो तरह से वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, एक तो ऐसे कि जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से आया वो सीधा ही L शेल वाले इलेक्ट्रॉन से टकराया और उसको नॉकआउट करके अपने साथ ले गया। भाई के वाले से टकरा ये जरूर थोड़ी है, L से भी टकरा सकती है, आप बोले हाँ सर बिल्कुल टकरा सकती है, तो वैकेंसी क्रिएट हो सकती है। L वाले शेल में एक तरीके से और वैकेंसी क्रिएट हो सकती है, कैसे कि इलेक्ट्रॉन आया और के शेल वाले इलेक्ट्रॉन को उठा के लेके चला गया, अब के पर जो वैकेंसी क्रिएट हुई उसको ऑक्यूपाई करने के लिए एल शेल से इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया, जैसे इलेक्ट्रॉन यहां से उठ के यहां चला गया यहां पर वैकेंसी आ गई, तो एल शेल पर भी वैकेंसी तो आ सकती है। उस वैकेंसी को भरने के लिए, उस वैकेंसी को ऑक्यूपाई करने के लिए इलेक्ट्रॉन एम शेल से कूद के यहां आ सकता है। अगर M शेल से कूद के आया तो कोई ना कोई फोटोन निकलेगा, उस फोटोन का हम नाम निकालेंगे,
उस एक्सरे का हम नाम निकालेंगे एल अल्फा एक्सरे। बेटा देखना कितना प्यारा सा नाम लगाया अपने, बेटा क्या एल अल्फा एक्सरे। नाम में बेटा एल अल्फा क्यों निकाला, क्योंकि तो इलेक्ट्रॉन कहां पर जंप कर रहा है, एल पर। कहां से जंप कर रहा है, जस्ट ऊपर से, तो अल्फा लगा दिया। लेकिन यहां पर जो वैकेंसी बनी है उसको तो भरने के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एन शेल से भी आ सकता है, आ तो सकता ही है। तो ऑफ कोर्स इस केस में भी कोई ना कोई फोटोन बाहर निकलेगा। इस फोटोन का क्या नाम निकालूं, आप बोलोगे सर इलेक्ट्रॉन तो एल पे आया है ऊपर से भी ऊपर, तो आप कह सकते हो कि इसका हम नाम निकाल सकते हैं एल बीटा एक्स। क्या एल बीटा एक्स। आप चाहो तो बेटा इनकी एनर्जीज भी लिख सकते हो, आप उनकी वेवलेंथ भी निकाल सकते हो। कोई मुझसे पूछे कि एल अल्फा वाला जो फोटोन है उसकी वेवलेंथ निकालनी हो तो आप कहोगे सर एच सी लेमडा ऑफ एल अल्फा। इस फोटोन के पास एनर्जी होगी ऑफ कोर्स ये वाले लेवल और ये वाले लेवल के एनर्जी डिफरेंस के बराबर, दैट इज एनर्जी ऑफ एम माइनस एनर्जी ऑफ एल। इसी तरह से इस फोटोन के पास जो एनर्जी होगी उसको आप कह सकते हो कि दैट इज एच सी लेमडा ऑफ एल बीटा शुड बी इक्वल टू एनर्जी ऑफ एन माइनस एनर्जी ऑफ एल। फिर ना अब इन बातों से मोटिवेट हो गए कोई बच्चा, कहते कि सर ऐसा भी तो हो सकता है कि कोई वैकेंसी एम में क्रिएट हो जाए। अगेन बेटा एम में वैकेंसी दो तरीके से क्रिएट हो सकती है, जो इलेक्ट्रॉन कैथोड से है वो सीधा ही एम से टकरा के इस इलेक्ट्रॉन को लेके भाग गया, एक तरीका तो ये। दूसरा तरीका ये कि यहां पर कोई वैकेंसी थी उसको फिल करने के लिए यहां का इलेक्ट्रॉन उठ के यहां चला गया, तो यहां वैकेंसी बन जाएगी, यहां खाली जगह हो जाएगी। उस खाली जगह को फुलफिल करने के लिए, उस खाली जगह को ऑक्यूपाई करने के लिए एन शेल से कोई इलेक्ट्रॉन उठ के यहां पर आ सकता है, ऊपर से भी आ सकता है, मैं इतना ही बना रहा हूं। जस्ट ऊपर से अगर इलेक्ट्रॉन यहां से यहां आया तो ऑफ कोर्स इलेक्ट्रॉन की एनर्जी तो कम हुई है, इलेक्ट्रॉन की अगर इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी कम हुई है तो ऑब्वियस बात है। हाँ बेटा, इलेक्ट्रॉन की अगर एनर्जी कम हुई है तो ऑब्वियस बात है कि जितनी एनर्जी कम हुई है उतनी एनर्जी का फोटोन निकालेगा। उस फोटोन का नाम क्या निकालें, उस एक्सरे का नाम क्या निकालें। बच्चे बोले सर एम पे आया इलेक्ट्रॉन तो हम इसका नाम निकाल सकते हैं एम अल्फा। एम पे आया इलेक्ट्रॉन जस्ट ऊपर से तो हम इसका नाम निकाल सकते हैं एम अल्फा एक्स। और आप कह सकते हो कि एच सी लेमडा ऑफ एम अल्फा विल बी ऑफ कोर्स एनर्जी ऑफ एनथ लेवल माइनस एनर्जी ऑफ एम एथ लेवल। सिंपल थ्योरी बेटा, सिंपल। ठीक है, अच्छा आगे चलते हैं बेटा। आगे चलते हैं बेटा, दो सवाल पूछ रहा हूं बेटा, दो छोटे छोटे सवाल पूछ रहा हूं, मैं जानबूझ के मिटा नहीं रहा है ना, सवाल में काम आ सकते हैं। पहला सवाल, इस तरफ इंटेंसिटी है और इस तरफ वेवलेंथ, और किसी टारगेट मेटल पर बेटा जो इलेक्ट्रॉन्स गिराए गए तो जो स्पेक्ट्रम आया अलग अलग वेवलेंथ का वो ऐसा ऐसा है। ये वाली वेवलेंथ लेमडा वन है, ये वाली वेवलेंथ लेमडा टू है। ठीक है, हमें बता रखा है सवाल के अंदर कि लेमडा वन एंड लेमडा टू जो है, यह गिवन है सवाल के अंदर कि इनमें से एक जना के अल्फा है और एक जना के बीटा है, एक जना इसमें से के अल्फा एक्सरे है, एक जना इसमें से के बीटा एक्सरे है, कौन सी वाली वेवलेंथ के अल्फा की है और कौन सी वाली वेवलेंथ के बीटा की है, यह पूछा गया। समझ गए सवाल को, लेमडा वन और लेमडा टू दोनों कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे हैं, दिख रही बेटा आपको यहां पर इंटेंसिटी औकात से ज्यादा है, कौन सा के अल्फा और कौन सा के बीटा ये आपको पहचानना है। पहचान लिया, चलो ठीक है। के बीटा वाला जो है आप देख रहे बेटा उसमें एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है वो तीन से एक पे आया है,
एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है तो फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा है, फोटोन के पास एनर्जी ज्यादा तो लैम्डा कम है। तो ये आपका लैम्डा के बीटा है, ठीक है। के अल्फा वाले में ऑफ कोर्स, के अल्फा वाले में ऑब्वियस बात है कि इलेक्ट्रॉन टू से वन पे आया, थ्री से वन पर आता तो ज्यादा एनर्जी लूज करता, टू से वन पे आया तो एनर्जी कम लूज करेगा, एनर्जी कम लूज करेगा तो लैम्डा बड़ा होगा, तो बड़ा बड़ा लैम्डा किसका है, के अल्फा का। ये लैम्डा छोटा था, ये लैम्डा बड़ा, ये बड़ा आपका लैम्डा है किसका, के अल्फा। आई होप सवाल समझ आ गया। अब सवाल का दूसरा पार्ट, यहां पर दो और कैरेक्टरिस्टिक एक्स है, ये वाला लैम्डा थ्री है, ये वाला लैम्डा फोर है। लैम्डा थ्री एंड लैम्डा फोर, लैम्डा थ्री और लैम्डा फोर दोनों के लिए बोल रखा है कि या तो वो एल अल्फा है या एल बीटा है। बताओ बेटा कौन सा एल अल्फा है और कौन सा एल बीटा है, कौन सा एल अल्फा है और कौन सा एल बीटा है, आपको बचाना है। आप बोलोगे कि सर एल बीटा के अंदर तो चार से दो पे n इक्वल टू फोर से n इक्वल टू टू पर इलेक्ट्रॉन आया है तो ऑफकोर्स एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है, एल अल्फा में तो सिर्फ तीन से दो पे आया है तो एनर्जी डिफरेंस कम है, जहां पर एनर्जी डिफरेंस ज्यादा है वो वाला लैम्डा छोटा है। तो आप कह सकते हो कि ये जो छोटा वाला लैम्डा है ये ऑफकोर्स आपका लैम्डा है किसका, एल बीटा का, ये लैम्डा है बेटा किसका, एल अल्फा, ठीक है बेटा। जो एक्चुअली एक्सपेरिमेंटल जो आता है बेटा वो मोर और लेस इस तरह के पीक्स बनाते हैं, जो एक्सपेरिमेंटल डेटा है वो मोर और लेस डायग्राम वैसा ही है जैसा डायग्राम मैंने बनाया। ठीक है बच्चों, आगे चलते हैं। चलिए बेटा नेक्स्ट इज मोजले स्लो। मोजले सर ने एक छोटा सा लो बनाया और खास तौर से उसमें उन्होंने रिलेट किया कि जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं उनकी फ्रीक्वेंसी और जो टारगेट मेटल था जिस पर इलेक्ट्रॉन जाकर टकरा रहे थे उस टारगेट मेटल के एटॉमिक नंबर को रिलेट करते हैं। उन्होंने ये जो लो था ये एक्सपेरिमेंटली दिया था, उन्होंने इसके पीछे कोई कैलकुलेशन नहीं की, उन्होंने बार बार है ना उस टारगेट मेटल को चेंज किया, कभी आयरन लगाया, कभी जिंक लगाया, कभी कॉपर लगाया, कभी टंगस्टन लगाया, कभी मोलिब्डेनम लगाया, और उससे जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे निकल रही थी उनकी फ्रीक्वेंसीज कैलकुलेट की, मतलब कैलकुलेट मतलब एक्सपेरिमेंटली, और फिर देखा कि कैसे जो फ्रीक्वेंसीज है वो उस टारगेट मेटल के जेड के साथ वेरी कर रही है। तो पहली बात, जो मोजलेस लो है वो एक एक्सपेरिमेंटल लो है एंड ही रिलेटेड फ्रीक्वेंसी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे एंड एटॉमिक नंबर ऑफ, एटॉमिक नंबर मतलब बेटा मेरे ख्याल से केमिस्ट्री में आप लोग शायद जेड से रिप्रेजेंट करते होंगे, एंड एटॉमिक नंबर ऑफ टारगेट मेटल। ही फाउंड दैट कि टारगेट मेटल के जेड को अगर मैं एक्स एक्सिस के लॉन्ग पुट करूं और जो कैरेक्टरिस्टिक एक्सरेज हैं
उनकी फ्रीक्वेंसी का रूट लूं। तो ही फाउंड दैट कि जो आपके मोस्टली जो मेटल्स हैं वो मोर और लेस बड़ा ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पे लाई करते हैं, अलग अलग मेटल्स के जो जेड हैं बड़ा वो और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक एक्स रे उनकी जो फ्रीक्वेंसी है वो ऐसे स्ट्रेट लाइन पर वेरी करती है। सो बड़ा फ्रीक्वेंसी नहीं, फ्रीक्वेंसी का रूट और जेड ये सारे के सारे बड़ा ऐसे एक स्ट्रेट लाइन पर मोर और लेस लाई करते हैं। एंड इट वॉज टोटली एक्सपेरिमेंटल। लो मोस्टली सर ने क्या किया, उन्होंने सिर्फ और सिर्फ जो अपना टारगेट मेटल था ना उसको चेंज किया, कॉपर किया, जिंक किया, मोलिब्डेनम किया, टंगस्टन किया, आयरन किया और फिर देखा कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की जो फ्रीक्वेंसी उसका रूट क्या है। उन्होंने जब प्लॉट किया तो उनको पता लगा कि सारे के सारे जो वैल्यूज हैं वो मोर और लेस एक स्ट्रेट लाइन पर लाई करती हैं। और उन्होंने इससे एक लो दिया एंड लो वॉज समथिंग लाइक दिस कि कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे जो है उसकी फ्रिक्वेंसी will be some constant times z minus b. A बेटा कोई constant है, b जो है it is our screening constant. अक्सर बेटा आपको सवाल में दे रखा होगा और in general हम लोग b को बड़ा वन लेते हैं। अगर सवाल में कुछ नहीं बोल रखा तो आप b को वन ले सकते हो, अदरवाइज जो दे रखा हो वो यूज करना। बी के बारे में आपको बहुत ज्यादा सोचना नहीं है, जो दे रखा हो वो यूज करना है, ना दे रखा हो तो वन यूज करना है। ये जो जेड माइनस बी है इसको हम इफेक्टिव जेड या फिर इफेक्टिव एटॉमिक नंबर भी कह सकते हैं। मैं फिर से बोल दूं इस बात को कि मोजले सर ने सारा का सारा जो काम था वो एक्सपेरिमेंटली किया था एंड उन्होंने बार बार सिर्फ और सिर्फ टारगेट मेटल को चेंज किया, उसकी जेड की वैल्यू के साथ ही ग्राफ को प्लॉट करने की कोशिश की एंड ही फाउंड दैट कि ना ये तो स्ट्रेट लाइन आ रही है और इससे ठीक ऑफ कोर्स उन्होंने इस लो को फ्रेम किया। आई होप यू गेट द पॉइंट। इतना सी बात थी बेटा, आगे चले नेक्स्ट। लेकिन हम लोग भी है ना हल्का फुल्का मोजले सर की बात को प्रूव कर सकते हैं, हल्का फुल्का प्रूव कर सकते हैं, मतलब हम थोड़ा एक कोरिलेशन तो बना ही सकते हैं, तो इसका एक छोटा सा प्रूफ सुनना। बट प्रूफ जो है वो ये मानते हुए कि हमारा जो टारगेट मेटल है ना ये काफ़ी हद तक हाइड्रोजन लाइक एटम है। हालांकि आप डिसएग्री करोगे कि सर हाइड्रोजन लाइक एटम कैसे हो सकता है, हमारा जो टारगेट था वो तो टंगस्टन मोलिब्डेनम उसका जेड तो खूब बड़ा होता है, उसमें खूब सारे इलेक्ट्रॉन होते हैं और जेड लाइक एटम में तो सिर्फ और सिर्फ सॉरी हाइड्रोजन लाइक एटम में तो सिर्फ और सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन था। तो बड़ा मैंने कहा ना कि अप्रोक्सीमेट प्रूफ है, ठीक है, कि रफली वैसे से हम उसको प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सुनिएगा, सुनिए बेटा, हमारे पास बीचों बीच कोई एटम जिसके पास चार्ज है बेटा जेड ई, जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, ये बेटा आपका के शेल, ये आपका एल शेल, ये आपका के बेटा ये एल एंड सो ऑन, ये आपका एम शेल एंड सो ऑन। कोई इलेक्ट्रॉन आया बाहर से और के शेल के इलेक्ट्रॉन को अपने साथ नॉकआउट करके ले गया, यहां पर कोई ना कोई वैकेंसी है। ये आपका एन इक्वल टू वन है और ये बेटा आपका एन इक्वल टू टू है, तो ऑफकोर्स यहां से इलेक्ट्रॉन उठ के यहां आएगा। इलेक्ट्रॉन जब यहां से उठकर यहां पर आएगा तो कोई ना कोई फोटोन बाहर निकलेगा और उस फोटोन का हम नाम निकाल चुके बेटा क्या, के अल्फा एक्सरे। नाम याद है ना, इलेक्ट्रॉन के पर आ रहा है और जस्ट ऊपर से आ रहा है तो के अल्फा, उससे ऊपर से आ रहा होता तो के बीटा निकाल लेते। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि इस फोटोन के पास जो वेवलेंथ होगी उसकी कैलकुलेशन एच सी बाय लेमडा, लेमडा किसका, के अल्फा का, शुड बी इक्वल टू एनर्जी एट एल माइनस एनर्जी एट के, एनर्जी एट एल माइनस एनर्जी एट के, एच सी बाय लेमडा ऑफ के अल्फा। ठीक है, एनर्जी एट एल
एनर्जी एट एल हम बड़े आराम से लिख सकते हैं, एनर्जी एट एल कैन रिटन एज -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड स्क्वायर। अब बस मैं जेड यूज नहीं करूंगा, कारण सुनना, ये जो इलेक्ट्रॉन है इसको ये पॉजिटिव चार्ज अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन ये अंदर एक इलेक्ट्रॉन अभी भी बचा हुआ है। ये जो इलेक्ट्रॉन है ये ऑफकोर्स इस इलेक्ट्रॉन को रेपेल कर रहा है, इस कारण से इस इलेक्ट्रॉन पर अंदर की तरफ जो एट्रैक्टिव फोर्स है वो इफेक्टिवली कम हो गया है, वो इफेक्टिवली कम हो गया है। और आप ऐसा रफली मान के चल सकते हो कि अंदर जो पॉजिटिव चार्ज है वो जेड ई नहीं है, जेड ई से हल्का सा कम है। वो जो हल्का सा कम है उसको हम दिखाने के लिए वो बी वाले टर्म यूज कर लेते हैं, तो हम यहां पर जेड ना यूज करके जेड माइनस बी यूज करते हैं। और ये बी की वैल्यू अक्सर वन क्यों होती है वो तो हम शायद समझ गए होंगे कि अंदर अभी भी एक इलेक्ट्रॉन ऐसा है जो ऑफकोर्स इसको रेपेल करेगा, तो जेड टाइम्स ई तो अट्रैक्ट करेगा और वन टाइम्स ई रेपेल करेगा, तो अंदर की तरफ जो अट्रैक्टिव फोर्स है वो इफेक्टिवली जेड माइनस वन टाइम्स ई के कारण आ रही है, तो इस कारण बड़ा वो बी की वैल्यू अक्सर वन होती है। -13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट जेड स्क्वायर अपॉन एल शेल है तो 2 का स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन 1 का स्क्वायर, मेरे पास आ गया 1 अपॉन लेमडा ऑफ के अल्फा इज इक्वल्स टू 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन एच सी इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 1 अपॉन 1 का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2 का स्क्वायर। इस इक्वेशन को हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे, कैसे, कि जो 13.6 इलेक्ट्रोवोल्ट अपॉन एच सी बेटा इसको हम शायद रिडबर्ग कॉन्स्टेंट लिखते थे, आर लिखते थे, और आप कह सकते हो कि 1 अपॉन लेमडा ऑफ के अल्फा इज इक्वल्स टू आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर इंटू 3/4। बढ़िया, ये काम बन गया अपना। सर मुझे तो फ्रीक्वेंसी चाहिए थी, बट अगर आपको के अल्फा की फ्रीक्वेंसी चाहिए तो आप कह सकते हो कि सर फ्रीक्वेंसी इज ऑफ कोर्स थ्री आर सी बाई फोर इंटू जेड माइनस बी का होल स्क्वायर, और अगर दोनों तरफ रूट करोगे तो आप कह सकते हो कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा इज रूट ऑफ 3RC/4 इंटू जेड माइनस बी। एज यू कैन सी दैट कि वी हैड नियरली प्रूव्ड अवर मोजलेस लॉ, बेटा देख लो मोजलेस से सब कंपेयर कर सकते हो। मोजलेस सर ने कहा था कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज ए टाइम्स जेड माइनस बी, बल्कि बेटा आपने एक ही वैल्यू भी निकाल ली है कि एक ही वैल्यू, मतलब ये जोड़ा कांस्टेंट था, इसकी वैल्यू क्या है, आप कह सकते हो कि के अल्फा के लिए एक ही जो वैल्यू है वो रूट थ्री आर सी बाई फोर। इंपॉर्टेंट चीज ये है कि हम इसको डिराइव कर सकते हैं, एक्सप्रेशन आपको याद नहीं रखना, एक्सप्रेशन तो सिर्फ और सिर्फ जो मोजलेस लॉ का एक्सप्रेशन था वो हमारे लिए मोर देन एनफ है, हमारा काम बड़े आराम से उससे चल जाएगा, आपको बड़ा उसकी चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। ठीक है, आई होप समझ गए बेटा, समझ गए। इसी तरह से कोई मुझे कह दे कि सर यही आप क्या सर के बीटा के लिए भी प्रूव कर सकते हो क्या, हाँ बेटा बिल्कुल कर सकता हूं। के बीटा वाले केस में मैं कहूंगा कि जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 से 1 पे नहीं आएगा, बट ऑफकोर्स वो 3 से 1 पे आएगा, तो कहूंगा आपने लिख लिया, मैं इसी में थोड़ी सी मक्कारी कर रहा हूं बेटा, के बीटा के लिए इलेक्ट्रॉन जो है वो एम से के में आएगा, तो एनर्जी एट एम माइनस एनर्जी एट के, ये एन इक्वल टू 1, ये एन इक्वल टू 2, ऑफकोर्स ये आपका एन इक्वल टू 3, दैट इज ठीक है बेटा। अरे के अल्फा नहीं बेटा, के बीटा, के बीटा, के बीटा, 1 - 1/9 इज ऑफकोर्स 8/9,
दोनों तरफ सी से मल्टीप्लाई किया तो 8/9 टाइम्स ऑफ आर से के अल्फा नहीं बढ़ा, दिस इज के बीटा, दिस इज के बीटा। हाँ, इसका ए अलग आ गया, दैट इज अंडर रूट ऑफ 8RC अपॉन 9 टाइम्स जेड माइनस पी। लेकिन मोर और लेस बेटा आपका एक्सप्रेशन आया तो वैसा ही कि रूट ऑफ फ्रिक्वेंसी सम कांस्टेंट टाइम्स जेड माइनस पी। ये जो कांस्टेंट है ये के अल्फा का और के बीटा का अलग अलग है, लेकिन ये बात है कि सारे जेड के लिए के की वैल्यू, सॉरी सारे जेड के लिए बेटा आपके ए की वैल्यू के अल्फा की तो सेम होगी। तो आप ऐसा इस तरह से आपको ये याद नहीं करना, मतलब सिर्फ कंपेयर कर रहा हूँ कि हाँ बेटा इस तरह से सारा सारा कैलकुलेशन कर सकते हैं, याद याद तो कुछ नहीं रखना, समझ गए होंगे। आप चाहते तो बेटा इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट भी लिख सकते थे, इस एक्सप्रेशन को डायरेक्ट लिख सकते थे कि सर हमने याद कर रखा है कि 1 अपॉन लैम्डा इज इक्वल्स टू आर जेड स्क्वायर 1 अपॉन एन वन का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एन टू का स्क्वायर, डायरेक्ट लिख सकते। बस जेड की जगह क्या यूज करना है, जेड माइनस बी यूज करना है, बाकी हमारा काम बड़े आराम से बन जाता है। आई होप इट्स ओके। इसी तरह से कोई तुम्हें एल अल्फा के लिए कहे तो आपको सर एल अल्फा के लिए इलेक्ट्रॉन यहां से आए तो बेटा यहाँ पर आपका 3 का स्क्वायर बेटा यहाँ पर आपका 2 का स्क्वायर, वो भी आप कर सकते हो, सारे काम कर सकते हैं, नहीं करने देते काम, ठीक है। कौन से में कोई PhD करनी बेटा एक्सरेस के अंदर, ठीक है, नहीं करने देते काम, हमारा काम तो ऐसे चल जाएगा, हमारा तो जेई मेन के एडवांस के सारे सवाल सिर्फ और सिर्फ इतनी इन्फॉर्मेशन से हो जाएंगे। बट स्टिल आई वॉन्टेड कि बेटा तुम लोग इसकी डेरिवेशन इस तरह से देख पाओ। मोजले सर ने एक्सपेरिमेंट ले किया, लेकिन हम लोग बेटा काफ़ी हद तक इसको इस तरह से भी इमेजिन कर सकते थे, किया भी है, हमने निपटाया भी। आगे चले, चलिए बेटा हमने काफी हद तक मोजलेस लॉ की सारी बातें समझ ली हैं। कुछ एक सवाल करते हैं बेटा। सवाल मैं पहले बोल दूं, जस्ट फॉर्मूला बेस्ड कुछ नहीं करना बेटा आपको, ठीक है, फॉर्मूले में वैल्यूज लगाओ, मस्त रहो, है ना, हमारा सारा का सारा काम बन जाएगा, कोई चिंता वाली बात ही नहीं, ठीक है बेटा। सवाल लिखिए बेटा, बेटा लिखना फॉर जिंक, बेटा जिंक के शायद जेड की वैल्यू 30 होती होगी, फॉर जिंक के अल्फा एक्सरे हैव वेवलेंथ 1.42 एंगस्ट्रॉम, then what will be wavelength of K alpha X-ray if we replace the target metal, बड़ा पहले आपका target metal जो था जहां पर इलेक्ट्रॉन जाके टकरा रहे थे वो zinc था, if we replace the target metal by molybdenum, बड़ा molybdenum में z की वैल्यू 42 है, ये गिवन है, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं, दोनों का ही k अल्फा है तो दोनों के लिए बड़ा एक की वैल्यू तो सेम रहेगी। सर लेकिन वो जो मोजलेस लो था वो तो सर फ्रीक्वेंसी के लिए था, यहाँ पर लेमडा पूछ रखा है, एक ही बात है यार, लेमडा इज सी बाई एफ, तो सोच लेंगे इतना तो सोचेंगे यार, हम जानते हैं कि हमें सिर्फ और सिर्फ मोजलेस लो लगाना है, दोनों के लिए बेटा के अल्फा एक्सरे है तो ऑफकोर्स एक ही वैल्यू, हमारा जो कॉन्स्टेंट था ना एक ही वैल्यू सेम रहेगी। सर बी नहीं दे रखा, बेटा बी दे रखा होता तो मजा आता, नहीं दे रखा तो हमें मानना है, कितना वन, तो आप कह सकते हैं कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज 8 टाइम्स जेड माइनस पी। सर फ्रीक्वेंसी पसंद नहीं है क्योंकि फ्रीक्वेंसी वाले पूछ ही नहीं रखी है, कोई बात नहीं, दैट इज सी बाई लैम्डा इज 8 टाइम्स जेड माइनस पी। हम बड़े आराम से कह सकते हैं पहले जिंक के लिए, जिंक के लिए रूट ऑफ सी टाइम्स लैम्डा ऑफ जिंक इज इक्वल्स टू 8 टाइम्स, बड़ा जिंक के जेड की वैल्यू है 30, बड़ा बी की वैल्यू में कह दिया ना बड़ा 1 लूंगा, दैट इज रूट ऑफ सी टाइम्स लैम्डा, बड़ा किसका निकालना है, के अल्फा का निकालना है मोलिब्डेनम के लिए, दैट इज इक्वल्स टू वही ए जेड माइनस 1,
बेटा दैट इज 42 माइनस 1। अब बेटा इससे आसान क्या पूछूं आपसे यार, डिवाइड कर दो आंसर आ जाएगा। मेरे को जरूर थोड़ी मजदूरी करनी पड़ेगी, चलो कर लेता हूँ। दिस इज माई इक्वेशन नंबर वन, दिस इज माई इक्वेशन नंबर टू। मैंने जैसे डिवाइड किया मेरे पास आ गया रूट ऑफ लैम्डा ऑफ मॉलिब्डेनम अपॉन बड़ा लैम्डा ऑफ जिंक, बड़ा जिंक का लैम्डा 1.42 एक्स्ट्रा शुड बी इक्वल टू 29/41। मेरे पास आ गया लैम्डा ऑफ मॉलिब्डेनम आ गया 29/41 का स्क्वायर इंटू 1.42 एक्स्ट्रा। व्हाट कुड बी इजियर देन दिस? हाँ, इस सवाल में सबसे मेन चीज़ तो बड़ा ये 29/41 का स्क्वायर करना है, वो तो तुम ही करो, है ना। 29/41 जी थोड़ा 5 ही आ गया नियरली। बड़ा 7.1 आ गया आंसर, ये एंगस्ट्रॉम में, बड़ा एंगस्ट्रॉम था क्या, बड़ा एंगस्ट्रॉम, हाँ तो ये भी एंगस्ट्रॉम, ये एंगस्ट्रॉम, ये आंसर आ गया। बढ़िया है, आसान सा है, कोई दिक्कत ही नहीं इसमें बड़ा। चलिए एक और करते हैं, एक और करते हैं। कैलकुलेशंस बड़ा तुम साथ साथ देखते रहा करो यार, है ना, और कैलकुलेशन तुम तो खुद ही किया करो, वो भी बिना कैलकुलेटर के। बड़ा सवाल लिखो, फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एक्सरे इफ टारगेट मेटल इज लेंथनम, बड़ा लेंथनम के शायद जेड की वैल्यू 57 होती होगी, इज 1.9 × 10⁻¹⁸ हर्ट्ज। अगर टारगेट मेटल लेंथनम है तो के अल्फा एक्सरे की फ्रीक्वेंसी 1.9 × 10⁻¹⁸ हर्ट्ज है। फाइंड फ्रीक्वेंसी ऑफ के अल्फा एक्सरे इफ टारगेट मेटल इज कॉपर। बड़ा कॉपर के जेड की वैल्यू कितनी होती होगी यार, ये बड़ा सवाल में दिया होना चाहिए था, शायद 29 होती है, तुम चेक कर लेना। हाँ 29 होती है, जिंक की 30 होती है। कर दो यार, फॉर्मूले में वैल्यूज पटकनी है, इससे आसान क्या होगा, निपटाओ उसको, निपटाओ उसको। हाँ बेटा बोलना क्या करना है मेरे को। रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। सर ए दोनों के लिए सेम होगा क्या? हाँ बेटा सेम ही होगा, क्योंकि बात के अल्फा की हो रही है, उसका के अल्फा और उसका के अल्फा, हर के अल्फा के लिए ए की वैल्यू तो सेम ही है। मैं कह सकता हूं रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी, बड़ा किसकी, पहले कौन था लेंथ ना, इज इक्वल्स टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। बड़ा जेड है 57, काश बी की वैल्यू दे रखी होती तो अच्छी बात थी, अदरवाइज हम तो वन लेंगे। फ्रीक्वेंसी फॉर कॉपर इज इक्वल्स टू ए टाइम्स 29-1। बड़ा डिवाइड करना, मेरे पास आ गया रूट ऑफ, बड़ा डिवाइड करना फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉपर अपॉन फ्रीक्वेंसी ऑफ लेंथनम। बेटा फ्रीक्वेंसी ऑफ लेंथनम इज 28/, बेटा क्या 56 आया क्या? अच्छा बेटा तो ठीक है, अच्छा आ गया। तो फ्रीक्वेंसी ऑफ कॉपर इज इक्वल्स टू 28/56। बेटा 28/56 बड़ा हाफ हो गया, तो 1/4 हो जाएगा, 1.9 × 10⁻¹⁸ डिवाइड बाई 4, इतने हर्ट्स है, यह आंसर है।
बढ़िया आंसर है, अच्छा आंसर, बढ़िया आंसर है, कोई दिक्कत नहीं इस आंसर में। चलिए आगे चलते हैं, अच्छा एक और करते हैं, एक और करते हैं मैडम। बड़ा किसी स्पेसिफिक टारगेट मेडल के लिए, किसी स्पेसिफिक टारगेट मेडल के लिए जो हमारा के अल्फा एक्सरे था उसकी वेवलेंथ मुझे 21 पिकोमीटर दे रखी है। बड़ा पिकोमीटर इज इवन लेस, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। एंड एल अल्फा की जो वेवलेंथ है उसी टारगेट मेडल के लिए वो बड़ा मुझे 140 पिकोमीटर दे रखी है, ठीक है। तो मुझसे सवाल में पूछा गया है फाइंड वेवलेंथ ऑफ के बीटा एक्सरे, जो के बीटा एक्सरे उसकी वेवलेंथ कितनी होगी। ये सवाल थोड़ा सा फॉर्मूला बेस्ड नहीं बल्कि कॉन्सेप्ट बेस्ड हो गया, हालांकि इसके पीछे का कॉन्सेप्ट हमने देख रखा है, हमें याद भी है सारी बातें, बिल्कुल बड़ा परफेक्ट सी है, कोई दिक्कत नहीं। अभी कर लेते हैं, ये बड़ा हमारा n इक्वल टू 1 या फिर के शेल, ये बड़ा हमारा n इक्वल टू 2 या एल शेल, ये हमारे पास n इक्वल टू 3 या आपका एम शेल। के अल्फा मतलब इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 2 से उछलकर n इक्वल टू 1 पर आया, उस टाइम पर जो फोटोन बाहर निकला उसके पास वेवलेंथ है लैम्डा 1। आप कहोगे सर बिल्कुल ये कैलकुलेशन तो आसान सी है, दैट इज एनर्जी एट एल माइनस एनर्जी एट के इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 1। बेटा वैल्यूज बाद में लिख लेंगे आखिर में, है ना। फिर क्या था, एल अल्फा, एल अल्फा मतलब इलेक्ट्रॉन एल पे आना चाहिए, अल्फा है तो जस्ट ऊपर से आना चाहिए, तो इलेक्ट्रॉन इस बार आया यहां से। जब इलेक्ट्रॉन यहां से आया तो जो फोटोन बाहर निकला है उस फोटोन की वेवलेंथ है लैम्डा, और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि एनर्जी एट एम माइनस एनर्जी एट एल इज इक्वल्स टू एच सी अपॉन लैम्डा। दिस इज माय इक्वेशन नंबर 2। अब मुझसे पूछ रहा है के बीटा जो है उसकी वेवलेंथ बताओ। बेटा के बीटा का जो एक्सरे वो निकलेगा कब, आप बोलो सर के बीटा वाले केस में इलेक्ट्रॉन जो है वो n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 पर आएगा। भाई के है, अल्फा होता तो ऊपर से आता, बीटा है तो उसके ऊपर से आएगा, तो 3 से 1 पे आएगा एस, और इस टाइम पर जो फोटोन निकलेगा उसकी वेवलेंथ मुझे निकालनी है। बड़े आराम से निकालेंगे, हम कहेंगे कि एनर्जी एट एम, एनर्जी एट एम माइनस एनर्जी एट के इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा। मुझे एक तरह से ई एम माइनस ई के चाहिए, बेटा ई एम माइनस ई के लिए मुझे लगता है कि मैं इक्वेशन नंबर 1 और 2 को ऐड कर दूं तो ये ई एल, ई एल तो गायब हो जाएगा, सीधा ही ई एम माइनस ई के आ जाएगा। तो आप ऐसा कर सकते हो कि इक्वेशन नंबर 1 को और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड कर लो, जैसे दोनों इक्वेशंस को ऐड किया ये ई एल तो गायब, और हम बड़े आराम से कह सकते हैं कि ई एम माइनस ई के इज इक्वल्स टू एच सी बाई लैम्डा 1 प्लस एच सी बाई लैम्डा 2, एंड वी नो दैट कि इट इज एच सी बाई लैम्डा, ये लैम्डा में निकाल लें, एच सी एच सी एच सी बड़ा आंसर। तो लैम्डा का बड़ा मेरे पास आंसर आ गया, क्या आंसर आ गया, लैम्डा 1 लैम्डा 2 अपॉन लैम्डा 1 प्लस लैम्डा 2, लैम्डा 1 इंटू लैम्डा 2 दैट इज 21 इंटू 140 पिकोमीटर पिकोमीटर अपॉन 21 प्लस बढ़ाई 161 हो गया, क्या एक पिकोमीटर कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आंसर।
कितना बड़ा, 21 इंटू 140 डिवाइडेड बाई बेटा 18.26 के आसपास आ गया होगा, बाकी बेटा तुम कैलकुलेशन चेक कर लेना, 18.26 पिकोमीटर। ये बेटा ये थोड़ा ज्यादा बेसिक था, बट सवाल मुश्किल थोड़ी था, बेसिक तो पता ही था। ये जो कैलकुलेशन अपन ने कर रखी है बेटा, इसी थ्योरी पर तुमने सारी सारी कहानी बनाई थी एक्सरे की, खास तौर से कैरेक्टरिस्टिक एक्सरे की। सो वी ऑलरेडी न्यू दैट कि हाउ दीज थिंग्स वर्क। आगे चलिए बेटा, नेक्स्ट एक सवाल और करते हैं। ऐसे कैलकुलेशन वाइज ही टफ है, बाकी तो खैर कुछ नहीं है, कैलकुलेशन वाइज हल्का सा टफ लग सकता है। बट आपके पास कोबाल्ट है और कोबाल्ट के बेटा जेड की वैल्यू शायद 27 होती होगी, ठीक है, और कोबाल्ट टारगेट मेटल अपन ने यूज किया, तो उसमें से कुछ ना कुछ के अल्फा एक्सरेज निकली। जो के अल्फा एक्सरेज निकली उसकी वेवलेंथ कोबाल्ट के लिए बेटा मुझे दे रखी है 178.9 पिकोमीटर, 178.9 पिकोमीटर। लेकिन हुआ क्या कि उसमें से जो एक्सरेज निकल रही थी उसमें एक के अल्फा की लाइन और थी। सर एक ही टारगेट मेटल में से दो के अल्फा कैसे हो सकती है? बेटा दो ऐसे हो सकती है कि जरूर कोबाल्ट के साथ कोई ना कोई इंप्योरिटी होगी, जरूर कोई ना कोई इंप्योरिटी होगी, जरूर कोबाल्ट में कुछ ना कुछ और मिक्स होगा, कॉपर मिक्स होगा बेटा, मोलिब्डेनम मिक्स होगा, टंगस्टन मिक्स होगा, और वो जो टंगस्टन मिक्स होगा या मोलिब्डेनम मिक्स होगा या कॉपर मिक्स होगा या जिंक मिक्स होगा, वो जो मिक्स वाला जो जो आपका मेटल है उसकी भी कोई ना कोई के अल्फा एक्सरे होगी। तो हमने ऐसा पाया कि वी फाउंड अनदर के अल्फा एक्सरे, और जो दूसरी के अल्फा एक्सरे है जो अननोन है उसकी वेवलेंथ जो है वो बेटा मेरे पास 143.5 पिकोमीटर, वो 143.5 पिकोमीटर। फाइंड, अब ऑब्वियस बात है कि दूसरा जो के अल्फा है वो भी किसी न किसी मेटल के कोरस्पॉन्डिंग होगा, क्योंकि हर जो आपका एक्सरे है वो किसी न किसी मेटल के कोरस्पॉन्डिंग है। अकेला कोबाल्ट तो दो के अल्फा एक्सरे अलग अलग वेवलेंथ के निकाल नहीं सकता, तो दूसरे वाले जो वेवलेंथ है बेटा किसी न किसी मेटल की कॉरेस्पॉन्डिंग होगी, तो जरूर कोबाल्ट में कोई ना कोई इंप्योरिटी है। फाइंड नहीं, आइडेंटिफाई करो बेटा, आइडेंटिफाई द इंप्योरिटी इन कोबाल्ट, कोबाल्ट में इंप्योरिटी कौन सी है, करते हैं पता भाई उस इंप्योरिटी का जेड पता करना है। अगर जेड पता लग गया तो हम बड़े आराम से बता सकते हैं कि इंप्योरिटी कौन सी है, और जेड पता करने के लिए ऑफ कोर्स है ना मोजलेज लो। अवर मोजलेज लो सेज दैट कि रूट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज इक्वल्स टू ए टाइम्स जेड माइनस बी। आप कहोगे सर मुद्दा इस बार फ्रीक्वेंसी का नहीं, मुद्दा इस बार वेवलेंथ का है, मैं समझा चुका हूँ तुम्हें, वो एक ही बात है। इसी फ्रीक्वेंसी को हम बड़े आराम से रूट ऑफ सी बाई लैम्डा भी कह सकते हैं, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ कि रूट ऑफ C अपॉन लैम्डा ऑफ कोबाल्ट शुड बी इक्वल टू ए टाइम्स, बड़ा कोबाल्ट का z कितना है 27, तो 27 माइनस 1। B की वैल्यू कुछ नहीं दे रखी, मैं तो 1 ही लूंगा बेटा, दैट इज रूट ऑफ C अपॉन लैम्डा, किसका बेटा लैम्डा उस अननोन वाले का, दैट इज इक्वल टू ए टाइम्स, उसका z तो पता ही नहीं है, तो बेटा मैं उसको एक बार के लिए जेड माइनस वन लिख देता हूँ, दे उसका बीबी हम तो वन ही लेंगे, ठीक। दोनों को डिवाइड किया तो मेरे पास आ गया रूट ऑफ लैम्डा ऑफ अननोन 143.5 बड़ा पिकोमीटर, पिकोमीटर कैंसिल, डिवाइड बाय 178.9 पिकोमीटर, पिकोमीटर कैंसिल, दैट इज इक्वल्स टू जेड माइनस वन अपॉन 26। यहां से मेरे पास Z माइनस वन की वैल्यू आ गई बड़ा कितनी आ गई 26 टाइम्स अंडर रूट ऑफ 143.5
अपॉन बेटा 178.9। अब यार वैल्यूज थोड़ी सी बेटा ठीक है गंदी गंदी सी है, करो इसको मैनेज है ना। मैं तो बेटा कैलकुलेटर से कर रहा हूँ, क्या करना रहे हो 143.5। मैंने बेटा उल्टा तो ले दिया, एक बार चेक करना, कोबाल्ट बड़ा उल्टा लिखते हैं, डिवाइड करेंगे, मैंने दिस अपॉन दिस किया तो लैम्डा अननोन जो है वो ऊपर जा, मैंने उल्टा कर दिया बड़ा, दिस अपॉन दिस किया, दिस अपॉन दिस किया तो ये नीचे आएगा 143.5 नीचे आएगा और 178.9 ऊपर आएगा। पिकोमीटर पिकोमीटर कैंसिल बड़ा, फिर मैंने उसको ऊपर ले गया 26 into बड़ा मैंने उल्टा कर दिया। आप लोग तो सही कर रहे हो, रूट ऑफ 178.9 अपॉन बड़ा क्या है 143.5, अब सही आ जाएगा। देखना क्या करना है मेरे को, वन सेवन एट नाइन डिवाइड बाई 1435, इसका लेना मेरे को रूट 1.11 ऐसा कुछ आ गया, दिस इंटू 26 कर दो सीधे, ओह ये तो 29.03 आ गया, तो जेड की वैल्यू बेटा 30 आ गई, जेड की वैल्यू क्या आ गई है 30, तो जेड की वैल्यू आ गई 30.03। हम तो बड़ा अप्रोक्सीमेटली मान लेते हैं कि जेड कम्स आउट विद 30, जेड 30 बेटा किसके लिए होती है, हाँ जिंक बड़ा, जेड इक्वल्स टू 30 इज ऑफ कोर्स जिंक, तो इसका मतलब हमारी जो इम्प्योरिटी है वो इसमें जिंक, ये हमारी इम्प्योरिटी, ये बेटा हमारी समझ ही गए होंगे यार, ठीक है बेटा आगे चलते हैं। चलिए बेटा आसान आसान ही सवाल थे, कोई बेटा ऐसे बहुत टफ काम नहीं था, और मोस्टली सवाल आपके मोजलेस लोग के थे, इस तरह के बेटा सवाल आप अगेन जे मेन में एडवांस में दोनों में एक्सपेक्ट कर सकते हो, ठीक है तुम कर भी लोगे, कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं है। एक सवाल और पूछता हूं, ये फॉर्मूला बेस्ड नहीं है, कॉन्सेप्ट बेस्ड है। हमारे एक्सरे के अंदर, मैं पूरी लैंग्वेज नहीं लिख रहा, हमारा जो टारगेट मेटल है वो टंगस्टन है बेटा, टंगस्टन के जेड की वैल्यू शायद 74 होती होगी, टंगस्टन है, फाइंड वेवलेंथ ऑफ के बीटा एक्सरे। अब इसको तो बेसिक से करना पड़ेगा, क्योंकि है ना इसमें ऐसा तो है नहीं कि यार किसी एक का के बीटा दे रखा हो और उसका के बीटा पूछा हो, किसी और का दे रखा होता और इसका पूछा होता तो ऑफ कोर्स बेटा हम लोग मोजलेस में लगाए थे, ए की वैल्यू कैंसिल हो जाती, हमारा आंसर आ जाता, लेकिन अब तो कोई चारा बचा नहीं, बेसिक से ही करना पड़ेगा, करते हैं। के बीटा का अर्थ क्या हुआ, ये आपका एन इक्वल टू वन, ये आपका एन इक्वल टू टू, ये बेटा एन इक्वल टू थ्री, इसे के शेल एल शेल एम शेल। के बीटा का अर्थ ये हुआ कि इलेक्ट्रॉन जो है उसकी वैकेंसी के शेल में है, अगर एल से इलेक्ट्रॉन यहां कूद के आता तो के अल्फा होता, एम से आएगा तब जाके के बीटा होगा, तो इलेक्ट्रॉन विल जंप फ्रॉम एम टू के, और ऑफ कोर्स जो फोटोन निकलेगा उसे हम के बीटा एक्सरे कहेंगे। आप कह सकते हो कि सर फॉर्मूला बहुत ही क्लियर सा है, लेमडा ऑफ के बीटा बेटा क्या फॉर्मूला था, आर जेड स्क्वायर, सॉरी बेटा जेड नहीं, अब मैं जेड माइनस बी का स्क्वायर, जेड माइनस बी का स्क्वायर 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, वेरी इजी। बेटा ट्रांजिशन कहां से कहां तक है, 3 से 1 में, तो n2 हो गया 3, ये बेटा आपका आंसर, वैल्यूज रखनी आपका आंसर आ जाएगा।
मेरे पास आ गया वन अपॉन लेमडा ऑफ के बीटा इज इक्वल्स टू आर जेड माइनस बी का होल स्क्वायर वन माइनस वन बाय नाइन आई थिंक दैट कम्स आउट टू बी एट बाय नाइन वन अपॉन लेमडा ऑफ के बीटा तो ठीक है बेटा जेड माइनस बी जेड कितना है 74 मैं बेटा जेड को तो 74 लिखूंगा बी काश सवाल में दे रखा होता नहीं दे रखा बेटा सिर्फ और सिर्फ क्या चेहरा बचा कि वन यूज कर लो दैट इज 73 का स्क्वायर इंटू 8.9 बेटा रेडबर्ग कॉन्स्टेंट वगैरह के सब की आपको वैल्यूज मैंने लिखा रखी है आप बड़े आराम से निकाल सकते हो इवन आप ये भी कह सकते हो आप चाहो तो बेटा यहां पर रिडबर्ग कांस्टेंट की वैल्यू लिख के आंसर निकाल सकते हो निकाल लेना लेकिन आपके लिए चीजें आसान हो इसलिए हो सकता है बेटा मैंने कभी ना कभी आपको वन अपॉन आर की वैल्यू भी याद कराई है आई रियली होप कि आपको याद होगी मैंने आपको बेटा याद करा रखी है वन अपॉन आर की बेटा वैल्यू मैंने आपको शायद याद करा रखी है 911 एक्स्ट्रा अगर नहीं याद तो कोई इशू नहीं बेटा ठीक है ऐसा नहीं कि ना नहीं याद तो सवाल नहीं हो पाएगा फिर आर की वैल्यू या तो याद होगी या सवाल में दे रखी होगी तो आर की जो वैल्यू है वो यूज़ कर लेना लेकिन मैंने उस टाइम वो कहा भी था कि अक्सर सवालों में आर काम नहीं आता वन बाई आर काम आता है तो अपन लोगों ने वन अपॉन आर निकाल कर याद कर लिया था नहीं याद तो कोई ऐसे पहाड़ नहीं टूट पड़ा देखना बेटा क्या आंसर आ गया ये बड़ा आपका आंसर आना चाहिए 0.1923 एक्स्ट्रा अगर आपको बेटा आर की वैल्यू याद नहीं हो तो कोई अगेन मैं इस बात को बोलूंगा बेटा बहुत बड़ा काम नहीं है आर की वैल्यू बड़ा सवाल में दे रखी होती है मुझे 1 बाई आर की वैल्यू याद इसलिए थी कि मैंने वो क्लास में बताया था कि बेटा 1 बाई आर आप याद कर सकते हो नहीं याद तो भी कोई इश्यू नहीं है ठीक तब भी बन जाए मैं तो बेटा पॉइंट के बाद चार चार डिजिट तक आंसर इसलिए निकाल लेता हूँ क्योंकि मैं तो कैलकुलेटर से कर रहा हूं ना तुम लोग है ना आराम आराम से सिर्फ और सिर्फ पॉइंट के बाद दो डिजिट का आंसर छोड़ दिया करो कोई दिक्कत नहीं वैसे ही मोस्टली सवाल ऑब्जेक्टिव होते हैं न्यूमेरिकल वैल्यूज होते हैं या फिर पॉइंट के बाद दो डिजिट के आंसर पूछते हैं तो डजंट मैटर दैट मच ठीक चलिए बेटा आई होप समझ में आ गया होगा एक्सरे के सवाल बेटा आप लोग शीट में से निपटा सकते हो जितने भी सवाल आपको एक्सरे के देखें सारे के सारे सवाल आप निपटा देना शीट वाले सवाल ठीक है चलिए कल मिलते हैं।